सो गाइज, आज मैं बनाने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी शेक। तो चलिए रेसिपी आप लोगों के संग शेयर करती हूँ, तो पसंद आएगा तो एक थम्स अप जरूर देना। सो संडे मार्केट से आ गई हैं स्ट्रॉबेरीज, तो देखिए कितनी ज़्यादा फ्रेश और अच्छी दिख रही हैं, क्योंकि आजकल लगता है स्ट्रॉबेरी का सीज़न है। काफ़ी रीज़नेबल भी मिल गए, लेके आए हैं, और इससे मैं डेली बनाने वाली हूँ स्ट्रॉबेरी शेक, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। सो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी का शेक बनाने। तो सबसे पहले मैं इस पैकेट को वॉश करके स्ट्रॉबेरीज को रख लूँगी। तो मैंने ये स्ट्रॉबेरी वॉश करके इसमें रख ली है, और अब मैं इनको कट कर लूँगी। पीसेस में कट करने से ये होता है ना, इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी बन जाती है, तो अदरवाइज हम इनको ऐसे भी डाल सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज कट करके इसमें डाल दी हैं, और अगर आपको मीठा पसंद है आप शुगर ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसे हेल्थ पर्पज से बना रहे हैं, तो वेट लॉस करना चाहते हैं, तो मैं इसमें हनी ऐड करूँगी, शुगर नहीं डालूँगी। और मिल्क आप इसको जितना आपको बनाना है शेक उस अकॉर्डिंग डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास और दो गिलास इसमें मिल्क ऐड कर दिए, क्योंकि मुझे दो गिलास बनाना है। और इसमें दो चम्मच में दही भी ऐड कर रही हूँ, उससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। गाई है चिया सीड, जिसको सब्जा सीड्स भी बोलते हैं, वो भी मैं ऐड करूँगी इसमें। तो ये चिया सीड्स डाल दूंगी मैं इसमें, थोड़ा मतलब आधा ग्लास डाल दूंगी, इससे भी टेस्ट शेक्स में बहुत अच्छा आ जाता है। और मैं इसमें ऐड करूंगी हनी ऐड कर रही हूँ, शुगर नहीं ऐड कर रही हूँ मैं। तो बस इसको अब कर लेना है, इसको बना लेते हैं। तो शेक हमारा बनकर रेडी हो गया है, अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो ये हमारा शेक बनकर हुआ है रेडी, तो शेक हमारा बनकर रेडी हो गया है। और अभी इतना और बचा है इसमें, तो सिर्फ इतनी स्ट्रॉबेरी से इतना ज़्यादा शेक बन गया है। तो सिर्फ एक पैकेट स्ट्रॉबेरी से इतना ज़्यादा शेक बन गया है, और अगर हम मार्केट से लेंगे तो कितना ज़्यादा महंगा आएगा स्ट्रॉबेरी शेक। और ये तो घर का है, इसमें कुछ ज़्यादा वो भी मिला हुआ नहीं है, नेचुरल ही है। तो शेक मेरा बनकर रेडी हो गया है, तो अब हम इसका इंजॉय करेंगे। तो ऐसे ही चार ग्लास बन चुके हैं सिर्फ एक पैकेट स्ट्रॉबेरी से, और मैंने सिर्फ दो ग्लास मिल्क ऐड किया है, दो चम्मच दही, और आधा ग्लास मैंने चिया सीड वाटर। तो अब चलिए इंजॉय करते हैं।